Today we'll continue and finish our topic center of mass. हम center of mass जो कर रहे थे उसको आप continue करते हैं और finish करते हैं. इसके बाद में जो आपको assignment दूंगा, sheet दूंगा, वह आपको finish करनी. आज खास मैं आखिरी के दो आर्टिकल जो कराऊंगा, सबसे पहले तो motion of center of mass and the second topic would be negative mass system. सबसे पहले let's start the motion of center of mass. देखिए we have got any mass system, it may be linear, it may be planar, it may be 3D. किसी भी तरह का मास सिस्टम है यहां. दिस इज मास एम आई एंड इट्स पोजिशन वेक्टर इज आर एंड दिस इज आवर रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सेस. यह रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई प्लेन में. यह कोई रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सेस. Point O is the reference frame. अब हमने center of mass के position vector के लिए एक generalized expression लिखा है and that is position vector of center of mass is summation of MIRI upon summation MI. This is the generalized expression that we had already wrote there. Now if this this position vector is written with respect to some stationary reference frame, yeah, jab hum expression likh rahe hain to hum kehte hain the reference frame is stationary, it's not moving. यदि हम पूरे मास सिस्टम को किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम से मूव करें, से ऑब्जर्व करें जो रेफरेंस फ्रेम स्वयं मूव कर रहा, द रेफरेंस फ्रेम इज नॉट स्टेशनरी. फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ओ, यह पॉइंट ओ स्टेशनरी नहीं हो, मूव कर रहा. जैसे एग्जांपल हम स्वयं ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन आगे बढ़ रही है और हम वहां किसी मास सिस्टम को देख रहे हैं. In that case, we are the reference frame, we are the observer, and we are moving along with the train. In this situation, we used to say that the reference frame is not stationary, it's a moving reference frame. Hum kehte hain, if all the position vectors are taken, if all the position vectors are measured with respect to any moving reference frame O, if point O, if reference frame O is moving, if reference frame O is moving, in that case I may rewrite this expression in this manner. मैं जो रेफरेंस फ्रेम है उसको किस तरह से लिखता हूं, देखिए. वी यूज टू से यदि आर आई लिखा हुआ है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आई एथ पार्टिकल, और यदि ऊपर ओ लिख दिया जाए इस तरह से, इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ आई एथ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ. दिस इज पोजीशन वेक्टर of ith particle with respect to O. यदि आर सी एम लिखा है, इट मीन्स पोजिशन ऊपर O इस तरह से लिख दिया जाए. नाउ वी रीड इट एज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास
with respect to whom. We always cite it in this manner. Hum yah keh sakte hain position vector of center of mass with respect to O is summation of mi into ri with respect to O upon summation of mi. This is position vector of ith particle with respect to O. This position vector of center of mass with respect to O. जो यह expression है, हमने इसी expression को जो ground reference frame में लिखा था, उसे अब हमने किसी भी random reference frame O के respect में लिख दिया. अब हम एक बात और बताते हैं. Problems में जब रेफरेंस फ्रेम की बात चलेगी, कोई मूविंग सिस्टम होएगा, तो उस मूविंग सिस्टम में हम कोई रैंडम रेफरेंस फ्रेम ओ लेने के बजाय हम काम हमेशा करेंगे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट. जब हमें रेफरेंस फ्रेम ही लेना है तो हम कहेंगे इफ ओ इज सेंटर ऑफ मास. हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास को ही रेफरेंस बना देते. अब यदि ओ सेंटर ऑफ मास है, इन दैट केस दिस एक्सप्रेशन वुड बी रिटन इन दिस मैनर. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ओ की जगह सेंटर ऑफ मास हो गया, इज इक्वल टू एम आई आर आई सी एम अपॉन समेशन ऑफ एम आई. हम यदि पॉइंट ओ को कोई रैंडम पॉइंट लेने के बजाय हम रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास ही ले लें और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही हम पूरे मास सिस्टम को यदि ऑब्जर्व करें, देन दिस इक्वेशन में बी रिटन इन दिस मैनर. बट ऑब्जर्व हियर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास यदि अपने आप को ही देखे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो. मैं यदि अपने आप को ही देखता हूं तो मेरा पोजीशन वेक्टर मेरे ही रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो. दिस इज जीरो. एंड जीरो इंटू समेशन ऑफ एम आई, जीरो इंटू समेशन ऑफ एम आई इज जीरो. Hence, summation of mi ri with respect to center of mass is always zero. A very important expression. A very important expression. Summation of mi ri with respect to center of mass is zero. यदि हम सारे particles का position vector center of mass के respect में लिखें, सारे पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखे और फिर समेशन ऑफ एम आई आर आई करें, देन दैट टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. समेशन ऑफ एम आई आर आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. कई सारे प्रॉब्लम्स हम इसी एक्सप्रेशन पर करेंगे. अब देखिए, मैं यह जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, आई डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन. मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करता हूं एंड आई डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं. डी बाय डी टी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डी बाय डी टी ऑफ समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई.
I differentiated the expression with respect to time. Now, d by dt of position vector of center of mass. This is velocity vector of center of mass. This is velocity vector of center of mass. This is equal to. Now, observe that summation of mi is a constant. If the summation of mi, if it is a constant, तो उसे d by dt से बाहर रहना चाहिए. तो हम इसे लिखेंगे d by dt of summation of mi ri whole upon summation of mi. I can always write it in this manner. मैं ऊपर लिखता हूं velocity of center of mass is equal to summation mi को मैं डिफरेंशियल से बाहर ले रहा हूं d by dt of summation of mi r upon summation of mi. One can always write this expression in this manner. I had differentiated it और फिर summation of mi को मैंने बाहर ले लिया. अब what do this term means? D by dt of summation of mi r i means हमें कुछ add करना है और फिर उसको differentiate करना है. हम कहते हैं इस जगह पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले differentiate कर दें summation of d by dt of mi r i. पहले हमने डिफरेंशिएट कर दिया और फिर ऐड कर दिया. आई कैन ऑलवेज डू इट इन दिस मैनर. एडिंग देन डिफरेंशिएटिंग इंस्टेड फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग देन एडिंग. ध्यान रहे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं. डी बाय डीटी ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज डी ए बाय डीटी प्लस डी बी बाय डीटी. ए और बी को पहले ऐड करें और फिर डिफरेंशिएट करें. इसके बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ए को डिफरेंशिएट कर दिया, बी को डिफरेंशिएट कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया. मैं यही प्रॉपर्टी इस जगह पर अप्लाई कर रहा हूं कि पहले ऐड करा फिर डिफरेंशिएट करा. इसके बजाय पहले डिफरेंशिएट कर दिया फिर ऐड कर दिया. इट्स ऑल सेम. अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi इज अ कॉन्स्टेंट. तो एम आई बाहर आ गया और इधर बचा रह गया डी बाई डी टी ऑफ आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. वॉट इज डी बाई डी टी ऑफ आर आई? इट्स वी आई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ आई एच पार्टिकल. इट्स अ समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन summation of mi. I can always write this expression up. What do this expression mean? If each particle or any particle starts moving, इस mass system में यह ith particle यदि move करने लगे और इस ith पार्टिकल के साथ साथ बाकी सारे पार्टिकल्स भी मूव करने लगे, सिस्टम में हर एक पार्टिकल मूव कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा. एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब वंस अगेन here this velocity of center of mass is written, जब हम इस expression को लिख रहे हैं, this expression is written with respect to some stationary reference frame or this is written with respect to some ground reference frame. यदि हम stationary reference frame के बजाय कोई moving reference frame
या कोई रैंडम रेफरेंस नेम ओ के रेस्पेक्ट में पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करें. तो इसी एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिख सकते हैं इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस नेम ओ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई विथ रेस्पेक्ट टू ओ अपॉन समेशन ऑफ एम आई. This is velocity of center of mass with respect to O. It is given by mi vi with respect to O upon mi. Here what is vio? Vi means velocity of ith particle. Vi ka matlab hota hai velocity of ith. Aur vio ka matlab hota hai jab upar O is tarah se likh diya jaye, it means O is the reference frame. Velocity of ith particle with respect to reference frame O. In this manner we get velocity of center of mass with respect to O. Ab once again hum problems jab karenge to hum koi random reference frame O choose karne ke bajaye we'll choose center of mass as a reference frame. Hum koi random point O ko reference banane ke bajaye सेंटर ऑफ मास को ही रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे. इफ ओ इज सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ओ हम कोई रैंडम पॉइंट लेने के बजाय पॉइंट ओ यदि हम सेंटर ऑफ मास ले लें तो इस एक्सप्रेशन को फिर हम इस तरह से लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई वी आई with respect to center of mass upon summation of mi. Now what is velocity of center of mass with respect to center of mass? Velocity of center of mass with respect to center of mass is zero. Yadi center of mass apne aap ko hi dekh raha hai to uski kuch bhi velocity ho. Center of mass ki velocity center of mass ke hi respect mein, meri velocity mere hi respect mein, it's always zero. समेशन ऑफ एम आई ऊपर चला गया, जीरो इंटू समेशन ऑफ एम आई जीरो ही रहेगा. एंड आई वी से समेशन ऑफ एम आई वी आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के ही रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो होती है. समेशन ऑफ एम आई वी आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हमने सारी पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखी और फिर समेशन ऑफ एम आई वी आई कर दिया. दैट समेशन ऑफ एम आई वी आई सी एम इज ऑलवेज जीरो, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. इस बात को थॉरली नोट डाउन कीजिए. मैं इसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन लिखवाऊंगा. नोट इट डाउन. इन द सिमिलर मैनर इन ऑर्डर टू राइट एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करूंगा इसी तरीके से. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए यह एक्सप्रेशन हमें लिखा हुआ दिख रहा है. मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूंगा. पहले मैं इधर लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. एंड नाउ आई डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन. मैं सेंटर ऑफ मास के लिए यह जो एक्सप्रेशन आया है इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं. डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज d by dt of summation of MIVI upon summation of MI. मैंने velocity of center of mass के expression को differentiate कर दिया. Now rate of change of velocity is acceleration. d by dt of
velocity of center of masses, acceleration of center of mass, and this is equal to d by dt of MIVI upon summation of MI. इस जगह पर मैं summation of MI जो कि constant है वह बाहर निकाल दिया और इधर रह गया d by dt of summation of MIVI. अब वंस अगेन वही कंसेप्ट d by dt of summation MIVI. It means that first we are adding the quantities and then we are differentiating. We can always do it in this manner. First we may differentiate each quantity and then we may add. मैं इस expression को दोबारा लिखता हूं इस तरह से summation of d by dt of MIVI upon summation of MI. अब d by dt of MIVI, MI is a constant. इसे differential के बाहर लिख देंगे तो अब यह expression it would reduce to summation of MI into d by dt of VI upon summation of MI. D by dt of VI is AI, acceleration of ith particle. And a similar expression, acceleration center of masses, summation of MI AI upon summation of this is the acceleration of center of mass, a generalized expression. This expression is written with respect to any stationary reference frame or ground reference frame. As I told you, कि हम पूरे सिस्टम को जब ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेफरेंस फ्रेम हमेशा स्टेशनरी हो, रेफरेंस फ्रेम हमेशा ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम. We may take any random moving reference frame O. हम कोई सा भी random moving reference frame O ले सकते हैं. ऐसी condition में इसी expression को हम इस तरह से लिखें. Acceleration of center of mass with respect to O is summation of MI AI with respect to O upon summation of MI. अब इस जगह पर वंस अगेन वही लॉजिक कि हम किसी भी रैंडम रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्यों काम करें. वी शुड वर्क इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली. हमें यदि कोई रेफरेंस फ्रेम ही लेना है तो क्यों ना वह रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास ही ले लिया जाए. इफ O is center of mass. In that case, O को center of mass ले लेने से equation बहुत simplified और easy हो जाती है, जिसको solve करना, जिसको analyze करना काफी आसान हो जाएगा. Summation of MI AI with respect to center of mass upon summation of MI. The acceleration of center of mass with respect to center of mass. But once again the same logic. Acceleration of center of mass with respect to center of mass. Center of mass जब अपने आप को ही देखेगा तो उसका acceleration हमेशा zero होगा. Summation of MI ऊपर जाकर zero से multiply होकर zero हो जाएगा and one can always write summation of MI AI with respect to center of mass is always zero. A similar concept, similar expression. आप एक बात देखें, center of mass के motion के लिए जब हमने equation लिखी है, तो यह सारी equation लगभग analogous, एक जैसी रही है, जैसे हमने x coordinate of center of mass के लिए लिखा था, y coordinate of center of mass के लिए लिखा था, z
z coordinate of center of mass के लिए लिखा, इसी तरह से position vector of center of mass के लिए कुछ वैसी ही equation दिख रही है, velocity of center of mass के लिए कुछ वैसी ही equation दिख रही है, acceleration of center of mass के लिए कुछ वैसी ही equation दिख रही है. Summation of mi ri with respect to center of mass is zero. Summation of mi vi with respect to center of mass is zero. Summation of mi ai with respect to center of mass is zero. यदि हम center of mass को reference बना दे, तो center of mass के respect से देखने पर summation of mi ri भी zero होगा, summation of mi vi भी zero होगा और summation of mi ai भी zero होगा. इन सभी equations को ध्यान से लिखें. We will come across with numerical problems with the application of this equation. सबसे पहले यह motion of center of mass देखने के बाद अब मैं आपको समझाऊंगा negative mass system के बारे में. पहले से note down कीजिए.